चढ़ा दिया, मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते, और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी, मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था, और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है, इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं, वो कहते भाई मंच पर दिया था वो तो उनका है, मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। साथियों, उन्होंने
साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है, इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया है। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। उन्होंने, परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं। और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। इसलिए बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं।